दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हिमाचल टूरिज्म। कोरोना के मामले बढ़ने के लिए न सिर्फ लोगों की लापरवाही जिम्मेदार है बल्कि राजनीतिक रैलियों और बैठकों के कारण भी हालात बिगड़े हैं। ये कहना है स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी का। कोरोना की ताज़ा स्थिति पर प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हिमाचल में अगले 3 हफ्ते महत्वपूर्ण है, इसलिए लोग अलर्ट रहें और सरकार का सहयोग करें। नॉन कोरोना मरीजों के प्रति लापरवाही पर उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर सरकार डॉक्टरों पर कार्रवाई करेगी। इस समय पे हम ये 5 बजे या 6 बजे या 4 बजे वाला जो लॉजिक है उसको नहीं चलने देंगे। जो ये करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज विंटर्स आर गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दैट। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज एस्पेशली विद रेफरेंस टू द रैलीज बीइंग हेल्ड, द कैलसनेस टू बी आइडेंटिफाइड बिटवीन वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इट्स वेरी क्लियर that fault lies on both the sides. ये कहना कि सिर्फ कोई किसी एक ही तरफ कोई कमी है वो उचित नहीं होगा। जनता से हम बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि वो इंडिविजुअल लेवल पे मार्केट्स में, फंक्शंस में, शादियों में, जागरण जो हो रहे हैं और इस प्रकार के जितने इवेंट्स हो रहे हैं, हम जनता से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि मेहरबानी करके ये एक्टिविटीज़ कम से कम करें। इसमें 5,000 तक का पीनल प्रोविज़न भी रखा गया है। मास्क के लिए जो पेनल्टी है वो भी बढ़ा के 200 से 1,000 रुपये कर दी गई है और पिछले कुछ दिनों में अब ये चालान काफ़ी स्पीड से होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि थोड़ा सा अब प्यूनिटिव मेजर्स भी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ अगर हम ये सोचें कि अच्छी अच्छी बातें करके चीज़ें हल हो जाएंगी तो जागरूकता एक पहलू है, लेकिन साथ ही साथ जागरूकता जनरेट करने के साथ साथ सख्ती होनी भी आवश्यक है। सो ये दोनों मेजर्स लिए जा रहे हैं। जो बात आपने दूसरे सेक्शन की, इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट कि वहाँ पर भी कमियाँ हैं एंड दोज सेक्शंस आल्सो एडमिट। सो अगर आप देखें तो जो ये पेनल्टी का प्रोविजन है, चाहे वो 5,000 है, चाहे कम है, ज़्यादा है, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, लेकिन ये सब पे लागू होता है। इन द लास्ट कैबिनेट मीटिंग इट वॉज वेरी क्लियरली कन्वेड टू एवरीवन पॉलिटिकली कि इससे किसी को किसी प्रकार की एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी। सो द मैसेज वॉज लाउड एंड क्लियर कि जो राजनेता हैं उन्हें भी इस समस्या का पता है और वो भी चाहते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं या जो सेक्शन है उन पे भी ये कानून पूरी तरह से लागू हो। ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन दैट नेक्स्ट 2 to 3 weeks are going to be crucial. It's only perhaps after 15th of December that we may see a downward trend in this data. If you go by the national figures as you are mentioning about various districts in the state, if you look at the figures right now, numbers in the past 15 days have gone up considerably in Punjab. Numbers have considerably gone up in Haryana. The death rate in Haryana has gone up, which was otherwise very much under control. Uttarakhand is following the same pattern. Chandigarh is following the same pattern. So it has something to do with this area of ours in this northern zone. And if you look at the figures nationally, you will find that most of the smaller states, whether it is Nagaland, whether it is Tripura, whether it is Puducherry, whether it is Goa, you are finding a spike in the positivity rate and the death rate. So this is a pattern which one can easily find out when you have a look at the national data. But that is not to say
दैट नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स आर नॉट टू बी टेकन। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से राजेश मंडोत्रा। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार, सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल